15 जनवरी 1934 को नेपाल और भारत में आया भूकंप दोनों देशों के इतिहास के सबसे भीषण भूकंपों में से एक था। इतिहास हमें बताता है कि धरती डोली और चीख पुकार के बीच केवल बचा रह गया मलबा। कई लोगों तो चीख तक नहीं पाए और धरती ने उन्हें निगल लिया। तबाही के बाद जो लोग बच गए थे उनके चारों ओर मलबा ही मलबा बिखरा था। कोई घर ऐसा नहीं बचा था जो इस तबाही के चपेट में नहीं आया हो। आज का मुंगेर मूल रूप से भूकंप के बाद का बना हुआ टाउनशिप है। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सबों का उजागर टीवी शो में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उस भीषण प्राकृतिक तबाही से अवगत कराया जाएगा जिसे जानकर आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। तारीख है 15 जनवरी 1934। भूकंप के इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप जो विश्व इतिहास के सबसे तीव्र वाली रिकॉर्ड की गई, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.6 आंकी गई थी। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगे और मुंगेर जैसे जिलों में ज्यादा रहा। भूकंप ने खाली मुंगेर में 1434 लोगों की जिंदगी खामोश कर दी। मुंगेर शहर पूरी तरह से मलबे में दब गया। भूकंप की खबर सुनकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य बड़े नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को स्थगित कर मुंगेर पहुंचे थे। सभी टोकरी कुदाल लेकर दबे लोगों को बचाने में जुट गए थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 15 जनवरी को शोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन विजय चौक के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के बाद हरिद्र नारायण भोज होता है। भूकंप में तबाह मुंगेर को मास्टर प्लान के तहत नए सिरे से बसाया गया। जामिनी बाबू, सरदार बाबू, हरि सिंह बाबू ने शहर बसाने में अहम भूमिका निभाई। इस भूकंप ने देश के सर्वश्रेष्ठ तीन महलों में से एक राजनगर का रामेश्वरम विलास पैलेस पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। बिहार का हर जिला भूकंप के गढ़ में है। 38 में से 8 जिला तो जोन 5 में है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। 22 जिले जोन 4 में है, जहां ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक रहती है। बस 8 जिले ऐसे हैं जो जोन 3 के अंदर आते हैं। आप किस जिले और जोन में रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।